हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूं नए वीडियो के साथ और जिसका विषय है स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं द स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर स्वास्थ्य मनोविज्ञान अपना कार्य करता है। साथ साथ में मैं आपको परिचय कराऊंगा कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान क्या है। हम उन प्रश्नों को ऊपर भी ध्यान देंगे जिन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करता है ये नई शाखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शाखा मनोविज्ञान की, जिसे हम स्वास्थ्य मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। और अंत में हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन सा इसका स्कोप है कि जिस पर स्वास्थ्य मनोविज्ञान अपने छाप छोड़ता है और उसमें रिसर्च की जाती है और मनुष्य से संबंधित जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं और जो मनोविज्ञान के डोमेन में आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र, यानी स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। ये एक बहुत वृद्ध विषय है और व्यक्ति से सीधा संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। आप जानते हैं अगर आपको स्वास्थ्य है तो वही आपका धन है, और उस स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम इस विषय की, वो है हमारा परिचय। थोड़ा सा परिचय मैं करा देता हूं। जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान है उसे हम चिकित्सा मनोविज्ञान भी कह सकते हैं, मेडिकल साइकोलॉजी, या व्यवहार चिकित्सा के रूप में उसको जानते हैं। अब ये होता क्या है, इसकी एक छोटी सी परिभाषा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर क्या होता है, मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसका संबंध सीधा सीधा इस बात से होता है कि जैसे जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी है, व्यवहार आपका बिहेवियर और सामाजिक कारक यानी सोशल फैक्टर्स किस प्रकार आपके स्वास्थ्य से और बीमारी से संबंधित होते हैं। या दो चीज पर ध्यान देने की बात है कि आपका स्वास्थ्य और आपकी बीमारी, यानी आपका हेल्थ और आपकी इलनेस, इन दोनों से किस प्रकार से आपकी बायोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी ये कैसे रिलेटेड है आपके स्वास्थ्य और बीमारी से, तो इस बात पर ये फोकस किया जाता है। और जो विषय इस बात पर फोकस करता है उसी विषय को हम स्वास्थ्य मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। ये जो शाखा है ये बीमारी के कारण और रोकथाम, दो चीजें, कैसे बीमारी हुई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बात कर रहे हैं और कैसे उसको मनोवैज्ञानिक संदर्भ में उसको रोका जा सकता है, ये चीज होगी। तो दूसरी बात, जो मन है जिसके माइंड की बात करते हैं, किस प्रकार आपके स्वास्थ्य पर वो प्रभाव डालता है, ये मेजर बात है, मेजर फोकस है स्वास्थ्य मनोविज्ञान का। ठीक है, बाहर के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं और बहुत सारी चीजें हैं, वो हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है, वो बायोलॉजी का और मेडिकल साइंस का विषय है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि आपका माइंड भी तो है, आपका एक मन भी है, जो वो मन आपके स्वास्थ्य पर, आपके बीमारी पर कितना असर और कैसे असर डालता है, वो जो चीज स्टडी की जाती है वो कोई बायोलॉजी या कोई मेडिकल साइंस में नहीं होती, वो होती है हेल्थ साइकोलॉजी में, स्वास्थ्य मनोज्ञान में। और फर्दर आप देखिए, ये जो शाखा है जो स्वास्थ्य मनोज्ञान की जो बात कर रहा हूं, ये बताते हैं कि बीमारी जो है जैविक कारक होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, भी मैंने जैसे बात की, पैथोजन है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के अंतक्रिया कारण होती है, यानी कि तीनों फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गए और सोशल फैक्टर हो गए। ये तीनों, बायोलॉजिकल में आपके वायरस बैक्टीरिया आ गए, मनोज्ञान में आपका व्यवहार आ गया, आपका विश्वास आ गया यानी और बिलीफ सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, कॉग्निटिव सिस्टम की जिसकी हम बात करते हैं, और सामाजिक फैक्टर जैसे आपके कोई रोजगार आपको मिला है कि नहीं, आपकी सोशल इनकम, इनकम आपकी कितनी है, इंटरपर्सनल रिलेशंस आपके कैसे हैं, ये तीनों फैक्टर मिल जाते हैं जो कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये तीनों जब इंटरेक्ट करते हैं तो किस प्रकार आपका स्वास्थ्य होता है और कैसे आपसे बीमारी बढ़ती है या उसका कैसे शुरुआत होती है, ये तीनों बताते हैं और ये स्टडी की जाती है हेल्थ साइकोलॉजी में। ये दृष्टिकोण है, जैसे एंगल बताते हैं कि यह दृष्टिकोण यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी स्वास्थ्य और बीमारी के जैव
मनोसामाजिक मॉडल को पुनः परिभाषित करता है कि एक मॉडल उन्होंने दिया था 1997-80 की बात है ये, वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो है आपका स्वास्थ्य और जो बीमारी का एक मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया था वो है बायो साइको और सोशल, यानी बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सोशल, ये तीनों मिलकर एक ट्रायड बनाते हैं जो कि आपकी बीमारी और स्वास्थ्य पर सीधा सीधा असर डालते हैं। और यही मॉडल उन्होंने दिया था जो नीचे आपके सामने दिया हुआ है। जैव में कौन कौन से कारक आ सकते हैं आपके, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आपका आघात हो गया, ट्रोमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये दीज आर कम्स अंडर सारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। आप मनोवैज्ञानिक देखिए कौन कौन से, व्यवहार आपका कैसा है, विश्वास, आपका स्ट्रेस, आपकी टेंशन, कोपिंग सिस्टम, दर्द, ये सारी चीजें। उसके बाद है सामाजिक फैक्टर्स, सामाजिक कारक, वर्ग या आपकी क्लास क्या है, किस क्लास में आप आते हो, आपका रोजगार, आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, आपकी इथनसिटी क्या थी, जातिता क्या है, ये सारे जो कारक हैं ये उन्होंने बताया था कि ये तीनों मिलकर एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल का नाम था जैव मनोसामाजिक मॉडल, और जो हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है और बताते हैं वो इसी को स्टडी करते हैं। अब आप बताते कि हमने जान लिया थोड़ा सा हमने परिचय ले लिया कि हेल्थ साइकोलॉजी होती क्या है और किस किस तरह वो फोकस करती है। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं, क्योंकि प्रश्न तो होंगे ही होंगे, जिनका उत्तर खोजने की कोशिश की जाती है स्वास्थ्य मनोविज्ञान में, एक प्रयास किया जाता है, वो कौन से प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, बीमारी होती क्यों है, व्यक्ति बीमार क्यों होता है। अगला प्रश्न देखिए, किस तरह व्यक्ति बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया करता है। अगर आपको कोई बीमारी है और आपको उसका पता चल जाता है, उसका इमीडिएट आपका रिस्पॉन्स कैसा है, वो स्वास्थ्य मनोविज्ञान की बात है वो। और किस तरह व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ यानी हेल्थ गेन करता है या बीमारी में समायोजन करता है। कि स्वास्थ्य लाभ का मतलब यह है कि आप बीमारी हो गई लेकिन उस बीमारी से आप निकल कर स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ हो गया। और लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जो ठीक नहीं हो पाती लेकिन उनको मैनेज किया जाता है, और जब उनको मैनेज किया जाता है तो व्यक्ति को उस बीमारी के साथ एडजस्टमेंट यानी समायोजन करना पड़ता है। ये जो विषय है, ये जो प्रश्न है कि किस प्रकार व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ करता है और कैसे वो उस बीमारी से समायोजित करता है, या की बात है इसमें अगर वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है तो इस प्रश्न का उत्तर भी स्वास्थ्य मनोविज्ञान ही खोजता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पहला प्रश्न किया बीमारी क्यों होती है, अंतिम प्रश्न देखो कि किस तरह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाई पॉजिटिव डेविएंस कह सकते हैं इसको, कि कुछ लोग पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं और कुछ लोग बीमार रहते हैं। तो हम ये जो दोनों प्रश्नों के उत्तर स्वास्थ्य मनोज्ञान खोजता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बीमारी क्यों होती है उसके ऊपर अटैक करना है तो आप सबसे पहले उन लोगों की स्टडी कीजिए कि व्यक्ति किस तरह स्वस्थ रहते हैं। इससे क्या होगा, आप उन कारणों को जान पाएंगे कि इन कारणों से, ऐसा काम करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तब जाकर आप उस बीमारी को एड्रेस करेंगे। तो ये जो सारा काम किया जाएगा ना, ये स्वास्थ्य मनोज्ञान करता है और उसी के अधिकार क्षेत्र की बात है। अब हम अगला पॉइंट हम शुरू कर लेते हैं, जो मेन हमारे इस वीडियो का विषय है वो है स्वास्थ्य मनोज्ञान के क्षेत्र। तो शुरुआत कीजिए, कुछ निम्नलिखित क्षेत्र होते हैं जैसे स्वास्थ्य, जो हेल्थ है, हेल्थ के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से पॉइंट है वो देखिए आप। संरक्षण, कैसे उस हेल्थ को मेंटेन किया जाए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, कैसे बीमारी की रोकथाम की जाए प्रिवेंशन, उसके बाद कैसे अगर कोई बीमारी हो जाती है इसका उपचार किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, और फिर है अनुवर्ती यानी फॉलोअप, किसी व्यक्ति का आपने ट्रीटमेंट किया उसके बाद उसकी क्या स्थिति है, उसको फॉलोअप करना जरूरी है, कभी रिलैप्स तो नहीं होता, क्या वो स्वास्थ्य गेन कर रहा है, तो कितना गेन कर रहा है, ये सारी चीज जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से स्वास्थ्य मनोविज्ञान के पैराडाइम्स वो तय होते हैं। और अंतिम बात होती है इसमें संवर्धन, प्रमोशन, ये चीजें संरक्षण, रोकथाम, उपचार, अनुवर्ती, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इससे पहले सबसे पहले आता है कि हेल्थ प्रमोशन, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे उसका संवर्धन किया जाए, ये सारे शारीरिक क्षेत्र होते हैं। आगे देखते हैं तनाव और उसका सामना, तनाव मतलब यहाँ पर है स्ट्रेस, जिसको हम दबाव भी कह सकते हैं। बीमारी के लिए जिम्मेदार मनोवैज्ञानिक चरों की पहचान करना, ये भी उसका क्षेत्र है। स्वास्थ्य और बीमारी का आपस में क्या संबंध होता है, कि हेल्थ और इलनेस कैसे रिलेट होती है, ये भी उसका क्षेत्र है। वो कौन कौन से स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार है, दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला देखिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला व्यवहार और स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला व्यवहार, तो ये सारी दोनों चीजें हैं आपकी स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार। फिर देखिए रोगी चिकित्सक संबंध, किस तरह से इनका रिलेशन है, ये भी एक स्टडी का विषय है। इन एक एक पॉइंट्स को हम
आगे अगर आने वाली स्लाइड्स के अंदर बिल्कुल एक ब्रीफ तरीके से और बहुत शानदार तरीके से हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। आप चिंतित मत कीजिए कि मैं केवल लाइन पढ़ता जा रहा हूं। ये एक टेक्निक है कि पहले इन पॉइंट्स को आप जानिए, फिर इन पॉइंट्स को हम एक एक को बड़े अच्छे तरीके से उदाहरणों के साथ डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, स्वास्थ्य और बीमारी का प्रबंधन कैसे मैनेज किया जाए, स्वास्थ्य के संदर्भ में मन और शरीर के बीच संबंध, जीवन शैली विकल्प, आपके लाइफस्टाइल डिसीजन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके, व्यवहार हस्तक्षेप तकनीक क्या है, आगे हम चर्चा करेंगे, और बीमारी की उत्पत्ति और सह संबंध पर शोध, यानी कि जो बीमारी शुरुआत होती है और उसके बीच में और स्वास्थ्य के बीच में क्या कोरिलेशन है, ये है। अब एक एक पॉइंट जैसा मैंने बताया था आपको डिस्कस करते हैं। तनाव और उसका सामना करना, यानी कि आपका स्ट्रेस और कैसे उसे कॉप अप करना होता है। एक व्यक्ति का जो उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रियाओं का ऐसा स्वरूप, अब जान लीजिए, आप सीधी सीधी भाषा में जान लीजिए कि स्ट्रेस होता क्या है। ये जो लिखने वाली बात है आप यहां से नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। स्ट्रेस आपका एक तरह से कुछ उद्दीपक आपके हैं, कुछ आपको जीवन में घटनाएं घटती हैं। उद्दीपक को भी आप छोड़ दिए, टेक्निकल वर्ड है, आप इसमें समझिए कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं आपके साथ घटती हैं। जिंदगी जैसे मैं बताता हूं, हर कदम आपका इम्तिहान लेती है, कुछ प्रश्न आपके सामने जिंदगी हर समय खड़ा करती है। जब ऐसे प्रश्न आते हैं, जिंदगी जब आपसे इम्तिहान लेती है, तो उस स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है और उस आपकी एक प्रतिक्रिया का एक स्वरूप होता है, वो जो एक पर्टिकुलर तरीका होता है, स्वरूप होता है, वो स्वरूप क्या करता है, आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूं दोस्तों, कि मानसिक संतुलन बिगड़ने का मतलब नहीं कि आप पागल हो गए, ये मत मान लेना दोस्तों। मतलब जो एक होमोस्टेसिस, एक बैलेंस जो बना हुआ था, उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। किसी भी प्रतिक्रिया के या किसी उद्दीपक के, किसी घटना के प्रति आप कोई रिस्पॉन्स करते हो, उस का एक ऐसा पैटर्न होता है, अगर वैसा ही आप रिस्पॉन्स करोगे तो आपका जो एक बैलेंस होता है वो बिगड़ता है। और जो बैलेंस बिगड़ता है उसके साथ साथ जो उद्दीपक होता है, जो घटना होती है किसी व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति का जो दबाव का सामना करने का, उस वैसी घटनाओं का सामना करने की जो क्षमता होती है, तो उस घटना की जो इंटेंसिटी है, उसकी पावर है, वो उस व्यक्ति से ज्यादा होती है, उसके सामना करने की क्षमता से ज्यादा होती है। आप इसको अपने जीवन से समझ लीजिए। आप एक बाइक पर बैठे हुए हैं, बाइक की क्षमता 2 है। अगर उसी बाइक पर लगातार आप 4 बैठकर रोज उस बाइक को चलाओगे, तो आप देखेंगे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। यानी कि उसकी उस दबाव को सहन करने की जो क्षमता है उस बाइक की, उससे ज्यादा आप उसको लोड दे रहे हो। और यहां पर बात करें कॉग्निटिव लोड की, कि किस प्रकार से कोई हमें घटना आती है और हम प्रतिक्रिया करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, और उस घटना की जो पावर है वो हमारे दबाव का सामना करने की अगर क्षमता से ज्यादा है, तो मुख्य रूप से जो आपके सामने घटित होगा, आपके शरीर में जो घटना घटित होगी, उसे स्ट्रेस कहा जाएगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आप देखिए, मोटे जो लोग होते हैं, इनका वजन ज्यादा होता है, उनके घुटनों में दर्द क्यों होता है? ठीक है, और भी बहुत सारे कारण है। एक, जो घुटने एक 50 या 60 किलो वजन के सहन करने के लिए बने हैं, अगर उन्हीं घुटनों पर, उन्हीं नीज पर आप लगातार 150 किलो वजन डालते रहोगे, रोटियां ठूस ठूस के, भोजन ठूस ठूस के आप वजन में डालते रहोगे, उनकी तो वो क्षमता है, तो उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता रहेगा, और अंत में क्या होगा, जवाब दे देंगे। सेम चीजें आपके मस्तिष्क, आपके मन, आपके माइंड पर होती है, कि कोई घटना घटती है और उसकी इंटेंसिटी है आपके दबाव या उस घटना का सामना करने की क्षमता से ज्यादा है, तो संभावना ये है कि आप स्ट्रेस फील कर सकते हैं। मेरी बात लगता मुझे समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे हम डिस्कस और करते हैं कि जब जीव को भावनात्मक या शारीरिक खतरे आते हैं, एक प्रतिक्रिया करने में, उचित प्रतिक्रिया, उसे डील करने अगर विफल रहता है, तो ये समझ लीजिए कि आदमी 100% श्योर है कि स्ट्रेस का सामना करेगा ही करेगा। स्ट्रेस कुछ देर के लिए थोड़ा हो, लेकिन होगा। अब प्रॉब्लम आती है कि कैसे इसे डील की जाए, कैसे इसे कोप अप किया जाए। बहुत सारी तकनीक है, भारत ये पारंपरिक साहित्य तो इस चीज से भरा हुआ है, माइंडफुलनेस जिसे हम कहते हैं, सचेतन, हम जो भी काम करें आप सचेत रहें। विभिन्न तकनीक है, जैसे संज्ञानात्मक मनोचिकित्सा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, मेडिटेशन, कितनी शानदार चीज है, स्ट्रेस बस्टर, बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, योग, योग तो बनाई ही बात के लिए कि आपका मन शांत रहे और आप उस परमात्मा के साथ आपका मिलन हो, तो यानी स्ट्रेस और टेंशन नाम की तो चीज नहीं होती अगर आप योग करते हैं तो। प्राकृतिक चिकित्सा है, प्राणायाम,
यानी प्राण और आयाम, आपके जो सांस की प्रक्रिया है उस पर आपका कंट्रोल है, तो स्ट्रेस कहाँ आएगा? स्ट्रेस नजदीक ही, कोई भी घटना घट जाएगा स्ट्रेस आएगा ही नहीं। संगीत आप सुनिए और शास्त्रीय संगीत सुनिए, और शास्त्रीय संगीत ने तो ये पाया गया कि स्ट्रेस को एक सिग्निफिकेंट रूप से कम करता है शास्त्रीय संगीत। ठीक, प्रकृति, आप नेचर की गोद में चले जाइए थोड़ी देर के लिए, ये सारी चीजें आपको दबाव से, तनाव से मुकाबला करने में बहुत मदद करती हैं, उससे कोप अप करने में बहुत सारा आपका मदद की जाती है। आप, मुझे लगता है आशा है पता भी होगा इन चीजों के बारे में, लेकिन चूंकि हमारे विषय में आया धीरे में डिस्कस किया, आगे चलते हैं। बीमारी के लिए वो कौन कौन से जिम्मेदार मनोवैज्ञानिक चर है उनकी पहचान करना भी सम है, जो हेल्थ साइकोलॉजी है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान है, उसका क्षेत्र होता है। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक चर हो सकते हैं भाई? आपकी जीवन शैली कैसी है, दिस इज योर साइकोलॉजिकल वेरिएबल। आप कितना तनाव, कितनी टेंशन या कितनी स्ट्रेस अनुभव करते हैं, यह भी एक मनोवैज्ञानिक चर है। आपके स्वास्थ्य संबंधी विश्वास कैसे हैं, कि मतलब आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है हेल्थ रिलेटेड, ये सारी चीजें, यानी बिलीफ सिस्टम आपका कॉग्निटिव डोमेन में आता है, तो वो चीजें क्या है, दीज कम्स अंडर साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, यानी कि सारे के सारे मनोवैज्ञानिक चर होते हैं। इनकी पहचान करना और उनको एड्रेस करना स्वास्थ्य मनोविज्ञान का एक अधिकार क्षेत्र है, एक स्कोप है उसका। तीसरा इशू है इसमें स्वास्थ्य और बीमारी का संबंध, यानी कि हेल्थ और इलनेस किस तरह से रिलेटेड है, यह भी स्टडीज में की जाती है। एक आपको सबको पता है कि जो WHO ने 1946 में, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, हेल्थ की एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन दे रखी है। एक समग्र डेफिनेशन तो हम उसको नहीं मान सकते, लेकिन बहुत सारे लोग उसको साइट करते हैं और समझते भी, तो वो क्या बताते हैं, आपको पता भी होगा, आपने याद भी होगा, लेकिन एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, मतलब आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है या कोई रोग नहीं, इसका मतलब स्वस्थ हो, बल्कि एक संपूर्ण आपका शारीरिक, आपकी मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। अलग अलग लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया हुआ, मतलब मेन मुख्य बात यह, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हो। आप स्वस्थ तभी हो गए, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से खुशहाल रहोगे, वेल बीइंग आप रहोगे, तो आप समझोगे कि आप स्वस्थ हैं। और AIHW जो 2010 में वो बताते हैं कि बीमारी एक व्यक्ति का बीमारी से संबंधित व्यक्तिगत अनुभव से होता है, यानी कि दो लोग हैं, इसको डिफाइन कर देता हूं एग्जांपल के साथ, दो लोग हैं, दोनों को जुकाम हो गया, ठीक है, अब दोनों उस जुकाम को किस तरह से परसीव करते हैं। एक तो कहता है कि मर गए भाई, सारा दिन जुकाम रहता, हालत खराब, मैं नहीं उठ सकता, वो बिस्तर पर लेट जाते, दवाइयां चाहिए, ये ला दो मेरे लिए, वो दवाई ला दो, ठीक। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो कहता है जुकाम तो हर एक महीने में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। देखिए, दोनों व्यक्तियों को प्रॉब्लम सेम है, लेकिन दोनों की उसके प्रति दृष्टिकोण, उसका व्यक्तिगत अनुभव अलग अलग है, ये बात इसमें कहना चाह रहे हैं। तो स्वास्थ्य और बीमारी क्या क्या संबंध है, यह भी स्वास्थ्य मनोविज्ञान के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार ये दो प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर से ज्यादा नहीं होते, या एक तो जो है हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर और एक हेल्थ डिटेरियोरेटिंग बिहेवियर, ठीक है। अब हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर कौन सा है, यानी स्वास्थ्य को बढ़ा देने वाला व्यवहार कौन कौन सा है, जो मानव व्यवहार में परिवर्तन अगर आपको करना है तो जीवन शैली, कुछ ऐसी जीवन शैली को आप अपनाइए जो आपके स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हो। कैसे? फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, आप बढ़िया पोषण लीजिए, आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो अच्छे हो, आप किसी काम को करें तो उस पर अड़े रहें कि आप उसको पूरा करके दें, प्रतिबद्धता, ये सारे के सारे हेल्थ को प्रमोट करते हैं और जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य को बढ़ा देने वाला व्यवहार, ऐसा व्यवहार है। आप अच्छा जीवन जिएंगे, जीवन शैली आपकी अच्छी होगी तो आपका स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला व्यवहार है। और स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला व्यवहार क्या है, जैसे सबसे पहली बात, आजकल ये जंक फूड कितने अवेलेबल हैं, ठीक है भाई, जिसने बनाए हैं उनके यहां पर जंक फूड ना कहलाएंगे, लेकिन हमारे भारत की पारंपरिक जो फूड है उसको छोड़कर अगर हम दूसरे फूड अपनाएंगे, हमारी क्लाइमेट कंडीशन ऐसी नहीं है, हमारा काम करने का तरीका ऐसा नहीं, और अगर हम दूसरे फूड्स को अप्लाई करते हैं, खाना शुरू करते हैं, वो जंक फूड आता है, वो क्या करेगा, बीमारी। देख लो आप आज की दुनिया में, लोग घर बैठे काम, घर बैठे बनाने में, खाना बनाने में कितनी कष्ट होता है, कितनी समस्या होती है, क्यों? फोन पे ऑर्डर कर दो, पिज्जा वाला, बर्गर वाला आपको घर दे जाएगा, ठीक है, खा के आराम से मजे लेके सो जाओ, लेकिन आप बीमारी खा रहे हैं, वो है स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला व्यवहार। कम सोते हैं, लगे रहो आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर, साइकोलॉजिकल पोल्यूशन, कोई बात नहीं, कोई मुद्दा नहीं कीजिए, आप बेकार में, आप चिंतित हुए जा रहे हैं, ये सारे के सारा जो व्यवहार होता है, ये सारा आता है स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले व्यवहार के अंतर्गत।
अगला पॉइंट हमारा है रोग और रोगी और चिकित्सक से संबंध, यानी कि जो आपका पेशेंट है, जो पेशेंट और जो आपका केयर गिवर है यानी कि डॉक्टर है, उसके बीच में रिलेशन क्या है, वो भी एक जरूरी है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं आप जब जाके बैठते हैं, हाँ बताओ क्या हुआ, आप ज्यादातर आज कैसे हैं, ज्यादातर डॉक्टर ऐसे हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि आप वहां बैठना शुरू हो गया, आप पहला सब बोलोगे सर रात में बुखार, आपने इतना कहा कि आप बिना देखे वो आपकी पर्ची लिखना शुरू कर देंगे, और जब तक आप अपनी बात बताना, सिम्टम बताना खत्म करोगे तब तक पर्चे में दवाई लिख के तैयार होगी और कह देंगे ठीक है नेक्स्ट जाइए दवाई ले लीजिए, ये बाद में आप एक हफ्ते बाद आके दिखा देना। ज्यादातर डॉक्टर्स का मेरा ऐसा अनुभव रहा है, बहुत कम ऐसे हैं जो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, वो समझते हैं, उसके बाद इम्पैथेटिक वो होते हैं और समझने के बाद फिर वो आपको सजेस्ट करते हैं कंसल्ट, अच्छी कंसल्टेंसी वो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग अगर हो गए तो आप कमाई कैसे होगी, ओपीडी कम नहीं हो जाएगी, ये कारण। तो ये बहुत जरूरी है, ये संबंध कैसा है, उसके बीच में विश्वास आपने कैसा डेवलप किया है, कौन सी प्रथाएं हैं, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, यानी कि रोगी चिकित्सक संबंध भी स्वास्थ्य मनोविज्ञान का एक अधिकार क्षेत्र है। स्वास्थ्य और बीमारी का प्रबंधन, किस तरह से आप दो चीजें हैं हेल्थ और इलनेस, दोनों को कैसे आप मैनेज करोगे, ये एक जरूरी है, माने कि दोनों को मैनेज करना, अगर आपको स्वास्थ्य को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और बीमारी हो जाएगी उसको मैनेज करना है, तो वो एक अधिकार क्षेत्र है। अब कैसे होता है कि स्वास्थ्य और बीमारी का जो प्रबंधन है एक कोऑर्डिनेटेड गतिविधि एक्टिविटी होती है जिसमें रोगी चिकित्सक और देखभाल करने वाले शामिल होते हैं, सारे के सारे ये आपस में ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाते हैं, तभी स्वास्थ्य का और बीमारी का प्रबंधन अच्छे से हो सकता है। अगला विषय हमारा है अधिकार क्षेत्र है स्वास्थ्य के संदर्भ में मन और शरीर के बीच संबंध। अब आप देखिए आपका माइंड और बॉडी दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, यहां पर माइंड की बात करते हैं तो भावनाएं, यह संवेग नहीं कह रहा हूं, इमोशंस की नहीं, फीलिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, आपके विचार, आपके आइडियाज, आपकी बिलीफ सिस्टम और आपका फिजियोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन पर व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है, यानी कि आपकी भावनाएं हैं, विचार, विश्वास, और इसका संबंध किससे है, मन। ये सारी संबंधित जो चीजें हैं, ये इस व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा है, और ये उसको जानने के लिए स्वास्थ्य मनोविज्ञान एफर्ट लगाता है, और स्वास्थ्य मनोविज्ञान इन चीजों को जानने की कोशिश करता है, ताकि एक जो बीमारी है या स्वास्थ्य है उसका बहुत ढंग से उसको डील किया जाए मनोवैज्ञानिक रूप से। अगला है जीवन शैली विकल्प, आप अपने लाइफ स्टाइल कैसा चूज करते हैं, कैसे आपके साथ डिसीजन है, आपके किस प्रकार आप जीवन जीना चाहते हैं। आप देखिए स्वास्थ्य और बीमारी में जीवन शैली एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है यह बताएगा कि आप स्वस्थ हैं या बीमार हैं, ठीक है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान जीवन शैली का चयन करने में मदद करता है, बिल्कुल, कि आप ये बताता है, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो आपको बताएगा कि आपको किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए, और वो तब बताएगा जब उसके पास पहुंचेंगे, और उसके बताने का जो मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि आपका संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी कि कंप्लीट होल हेल्थ, होल हेल्थ का मतलब यहां पर है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और जिस प्रकार की भी हेल्थ होती है, सारी की सारी पूर्ण रूप से एक धुरी है उसके चारों तरफ घूमती है, और वह जीवन शैली। तो आप मिल लीजिए, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई आपके साथ परेशानी है तो ठीक है, आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए, एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी जिसके पास आपको जाना जरूर जाइए, लेकिन उससे संबंधित एक बार आप मनोवैज्ञानिक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट से भी जरूर मिल लीजिए। कई बार दोस्तों आपको बता दूं कि दवाई लेने से, टेबलेट गिटकने से अच्छा होता है अगर किसी एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट के पास आप पहुंचते हैं तो हो सकता है कि बिना दवाई लिए आपका इलाज भी हो जाए, क्योंकि हो सकता है जीवन शैली में आपको परिवर्तन बता देंगे और उससे आप बीमारी को या हेल्थ को आप मेंटेन कर पाएंगे। आगे देखिए व्यवहार अंतक्षेप तकनीक, ये भी एक जरूरी है कि ऐसी कौन सी बिहेवियर इंटरवेंशन टेक्निक्स होती हैं जिससे हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है, हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है, बीमारी को मैनेज किया जा सकता है, बीमारी की रोकथाम की जा सकती है, ऐसी तकनीक का भी विकास करना भी, उनको डिजाइन करना भी स्वास्थ्य मनोविज्ञान का एक अधिकार क्षेत्र होता है, जो कि और ऐसी इंटरवेंशन टेक्निक्स होती हैं जो एक स्वास्थ्य में एक निर्णायक भूमिका निभाती है, ठीक। अगला और आखिरी हमारा पॉइंट है जिसमें हम क्या बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान का एक क्षेत्र बीमारी के उद्गम और सह संबंधों पर शोध, बिल्कुल रिसर्च तो मस्ट है, बीमारी कैसे शुरुआत हुई और उस शुरुआत होने से और आज तक जो पहुंची है उसके बीच में क्या कोरिलेशन है,
क्या सह संबंध, कैसे वो बातें आपस में जुड़ी हुई यार। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, वो क्यों हुआ आप समझिए, और उस व्यक्ति का व्यवहार, ये उसमें किस प्रकार से एक संबंध है, कोरिलेशन है, इसके ऊपर रिसर्च करना, ये भी एक अधिकार क्षेत्र है स्वास्थ्य मनोविज्ञान का। यह मुख्य रूप से कहां मदद करता है आपकी, कि बीमारी के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और बहुत मेहनत करने वाले दोस्तों, ये आज का हमारा विषय था स्वास्थ्य मनोज्ञान के अधिकार क्षेत्र। हमने स्वास्थ्य मनोज्ञान की शुरुआत की परिचय से, फिर हमने उन प्रश्नों पर प्रकाश डाला जो किस प्रकार से किन का प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है हमारा स्वास्थ्य मनोज्ञान। फिर हमने अधिकार क्षेत्र बात की, और ये वो संदर्भ है, वेबसाइट्स हैं, किताबें हैं, जहां से मैंने ये लिया है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो दोस्तों। और जो हमारा अगला जो लेक्चर रहेगा, हमारी जो अगली वीडियो रहेगी दोस्तों, लेक्चर तो है, लिख तो मैंने दिया इसमें, लेकिन मुख्य रूप से हमारी जो वीडियो रहेगी, हमारे साथ आपका डिस्कशन रहेगा, मेरा आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा, वो रहेगा स्वास्थ्य मनोविज्ञान के उद्देश्य, यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तब तक के लिए हम आपसे जरूर जल्दी ही मैं फिर मिलूंगा एक नए अंदाज में, नए जोश के साथ और नए विषय के साथ। आपसे विदा लेता हूं, और अगर वीडियो और इसके कंटेंट आपको पसंद आते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि बहुत ची बेगच आसान तरीके से आपको इस टाइप की वीडियोस डॉक्टर राजेश वर्मा के चैनल पर उपलब्ध हैं। और कहीं पर आपके कोई कमी लगती है इस पे, तो दोस्तों आप शेयर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या ना भी करें, काम चलेगा, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है और ना मैं आपसे इस बात के बारे में आग्रह कर रहा हूं। लेकिन एक बात के लिए मैं आपसे जरूर आग्रह कर रहा हूं, और वो है, अगर इस वीडियो में जहां पर भी आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में, लिखने में कहीं कोई कमी लगती है दोस्तों, मेरा बहुत दिल से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वो कमी मुझे जरूर बताएं, क्योंकि निंदक निरे राखी, आप मुझे उस साबुन की तरह लगेंगे कि जो मुझे स्वच्छ करेगी, यानी कि मुझे और इंप्रूव करेगी, तो वो मेरी कमी मुझे जरूर बताइए, आप दोस्तों के साथ शेयर करें या ना करें दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद मेरी इस वीडियो देखने के लिए। जल्दी हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू या मीट यू नेक्स्ट टाइम।